Hello and welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today I bring for you a very beautiful bottle art. For this project, we want one glass bottle, one cardboard, और इसके ऊपर डोर शेप ड्रॉ करेंगे. Now cut it nicely. Now here I am using white glue, Fevicol. थोड़ा सा गैप रख के हम इन्हें अच्छे से स्टिक करेंगे. इससे थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा. अभी मैं इसी कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीस कर रही हूँ डोर के साइड में लगाने के लिए. नाउ यहाँ अब मैं यूज कर रही हूँ टिश्यू पेपर और इसे स्टिक करने के लिए मैंने वाइट ग्लू एंड वाटर को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया है. Now here I am using texture paste. Texture paste बनाने के लिए आपको चाहिए एक part POP, एक part Fevicol या white glue और उसके अंदर consistency के according आपको थोड़ा सा water mix करना है. Detailing के लिए मैं यहाँ पर use कर रही हूँ toothpick. अगेन मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड स्टिक कर रही हूँ. जब भी हम राउंड शेप पर कार्डबोर्ड स्टिक करते हैं तो थोड़ा सा इसे इस टाइप से प्रेस कर देते हैं तो वो अच्छे से स्टिक होता है. जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले नॉब बनाने के लिए. अब यहाँ हम यूज़ करेंगे थिन कार्डबोर्ड और इसे हम ब्रिक्स के शेप में कट कर लेंगे. कार्डबोर्ड अच्छे से स्टिक हो उसके लिए हम इसे थोड़ा वेट कर लेंगे. और अगेन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइट ग्लू फेविकोल. इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे.
वेट करने से कार्डबोर्ड की फर्स्ट लेयर इजीली निकल जाती है, इससे ये बोतल पर अच्छे से स्टिक होगा। अगेन यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। पूरी बोतल को हम टिश्यू पेपर से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ट्यूटोरियल को लेकर के भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ थिन कार्डबोर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लग रहा है तो आप इसे अभी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, इससे आपको जब भी मैं अपने नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। किसी भी आर्टवर्क में आप जितनी भी डिटेलिंग डालोगे उतना ही वो आर्टवर्क बहुत ही अच्छा बन के आएगा। एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ तुअर दाल, इसे अरहर की दाल भी कहते हैं। आप यहाँ पर हाफ पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं स्टिक करने के लिए। अगेन एयर ड्राई के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं फ्लावर्स बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से ड्राई होने दें। नाउ मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट कॉटन क्लॉथ, और इस टाइप से टिश्यू पेपर को रोल करके हमें ट्री की ब्रांचेस बनानी है। आप वाटर स्प्रे करके भी बना सकते हैं। अच्छे से व्हाइट ग्लू से हम इसे स्टिक करेंगे।
इसे थोड़ा और सॉफ्ट बनाने के लिए हम बीच बीच में थोड़ा सा वाटर स्प्रे करेंगे, इससे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर टेक्सचर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, इससे ये अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा एंड इसके ऊपर अच्छा टेक्सचर भी आएगा। एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एयर ड्राई क्ले, इसे अच्छे से रोल करके ट्विस्ट करके हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे, ये बहुत ही अच्छा लुक दे। Now I am giving some texture using tools. नाउ मैं पेंट करने के लिए यहाँ पर एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। इन सभी कलर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं ग्रे कलर बना रही हूँ। ग्रे कलर बनाने के लिए आपको वाइट कलर के अंदर थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करना होता है। एंड ब्रिक्स के लिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर एंड रेड कलर को मिक्स किया है। इसे लगाने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं।
नाउ वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने सेम कलर के अंदर वाइट कलर मिक्स किया है और इसे मैं रैंडमली अप्लाई कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन एक्रिलिक पेंट। डार्क ग्रीन एंड येलो कलर से हम इसे हाईलाइट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। यह मेरा फेवरेट पार्ट और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का पर्ल मेटेलिक कलर। इसे हम थोड़ा सा फिंगर पर लेकर के इसे हाईलाइट करेंगे। और भी ज़्यादा डिटेलिंग देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रीन थ्रेड। इसे हम वाइट ग्लू से स्टिक करेंगे। नाउ व्हाइट कलर करके हम इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करेंगे।
यहाँ मैं थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए कॉपर मेटेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड अगेन थोड़ा सा सिल्वर मेटेलिक। यहाँ मैं कुछ आर्टिफिशियल लीव्स का यूज़ करूँगी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर फेवी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, आप हॉट ग्लू से भी इसे स्टिक कर सकते हैं, ये सिंपल वाइट ग्लू से स्टिक नहीं होगी। नाउ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ पॉलेंस जो यहाँ पर फ्लावर्स का लुक देंगे। इसे मैंने कैसे बनाया है इसका पूरा डिटेल मैंने नेमप्लेट ट्यूटोरियल के वीडियो में डाला है, आप उस वीडियो को देख करके बनाना सीख सकते हैं। आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एशियन पेंट्स का ट्रांसपेरेंट पेंट। एंड इट्स रेडी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।